शेर को ललकार रहे हो? आपको पता नहीं हम बद्री के लोग हैं। हाथ पैर तुड़वाने के लिए तफसील की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में शेर बन रहे हो, मर्द हो तो हमारे इलाके में आओ। अरे सारा जंगल हमारा, जहाँ चाहे तुम्हें चीर फाड़ सकते हैं। तुम सिर्फ अपना इलाका बताओ, कहो कहाँ आए। आओ गली या मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा या विस्की मोहल्ला, या फिर खजुए का चारकोप, मीनारा गली, बोरी मोहल्ला, लाल बाग, शंकर गली। तुम सिर्फ बताओ एमजी रोड या शिवनगर। तुम्हारे घर में पंजा रखकर तुम्हें चीर डालेंगे। ऐसा फाड़ूंगा कि दिल दिमाग समझ में नहीं आएगा, दिल घुटनों में चला जाएगा और घुटने कब्र में धस जाएंगे। बगैर टिकट सीधे ऊपर और ठुकाए में कोई समझौता नहीं है। क्यों लड़की, हाथ लगी क्या? हिरनी नहीं मिली, एक शेर सामने आ गया। कौन है वो? श्रीमन नारायण, जर्नलिस्ट। भौंक क्यों रहे? भौंकने वाले जानवर हमें पसंद नहीं। हम सिर्फ कलम ही नहीं चलाते, पिस्तौल भी चलाते हैं। कमबख्तों, फौजी मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान निसार करता है और तुम उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करोगे। अगली मर्तबा उस जमीन पर नजर आए तो वहीं दफन हो जाओगे, समझे? शिव दे, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। शिव दे, देखो मेरी बात सुनो, अगर श्रीमन को पता चल गया ना तो क्या कर लेंगे? Yes. क्या कह रहे थे आप? अगर ताज़ा तरीन खबरें दिखाए तो हमारे लिए शॉकिंग खबरें हो जाएंगी। अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन है। उनके कैमरे की चिप हमारे हाथ में है। शुक्रिया। ए, क्या हुआ? इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हो? क्या कर लेंगे? अब यहाँ से लेकर दिखाइए। अच्छा तो तुम ये देखना पसंद करोगी? अब आप हमारे साथ जोर से बर्बरता करेंगे? कोई शक है? कोई है? मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं? मदद कीजिए मेरी। आपने हमसे कुछ कहा? मसला क्या है मोहतरमा? अच्छा तो ये मसला है, अकेली लड़की को देखकर हवा में उड़ रहे हो। गुस्तगु मत करो, हाथ चला। लड़की को छेड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। वैसे आपके लिए तो मैं ही काफी हूं। भाई, रॉड, चेन, स्टंप सब लेकर इसे सबक दिखाते हैं। सबसे काम ले छोटे। शुक्रिया भाई, आप नहीं होते तो क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। इन्होंने आपको भाई कहा? तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा। आपने भाई कहा? जी हाँ। जान देकर भाई जान नहीं बनना मुझे, अजीब है। एक मिनट, आपको जो करना है करिए, हम चलते हैं भाई। कहाँ चल रही है? क्या है, आपको लग रहा है हम डर जाएंगे? आपके खिलाफ वुमेन हैरेसमेंट का मामला दर्ज करा देंगे। अगले 3 सालों तक हवाला की हवा खाएंगे आप। पुलिस में शिकायत करेंगी क्या? डीसीपी से बात करना चाहेंगे? लगाएं, फोन लगाएं, नंबर नहीं है क्या? हम नंबर देते हैं 9989-9989। सुनो, चुपचाप वो सामान मुझे दे दो तो तुम्हारी उस जगह की कीमत बनी रहेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगी। ये तुम्हारी आंखें हैं या टाटा सुमो की हेडलाइट है? नीचे करो। आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दो, ताज़ा खबरें आने वाली हैं। सर, ये न्यूज़ दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। क्यों ना हम पुलिस से पहले ही बात कर ले, है ना? राइट, एसीपी से बात करो। ऐड करेट डबल कर दीजिए। ओके सर, एसीपी लाइन पर है। हेलो, हम चैनल 6 के कोल्हापुर से बात कर रहे हैं। दरअसल हम हिट लिस्ट में शुमार होने वाले हैं, इसीलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट? और हो सके तो जेड कैटेगरी। आपको खतरा किससे? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे, समझ गए? राइट, फॉरन सिक्योरिटी का इंतजाम करवाएं। बहुत बहुत मुबारक हो, हमने हमारे चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ताज़ा खबरें तो चल रही है सर। चिप इनके पास है तो ताज़ा खबरें कहाँ से चल सकते हैं, पागल? सर, ब्रेकिंग न्यूज तो चल रही है पर किसी और चैनल पर। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा रिपोर्टर श्रीमन नारायण ने। इस
फरेब में शामिल है मिनिस्टर बद्री प्रसाद, साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे। माफ करना सर, हमने चिप चुरा कर अपनी पोशीदा हिस्से में रख लिया था, लेकिन फिर श्रीमन ले गए सर। एसीपी का फोन सर। कोल्हापुर एसीपी बात कर रहे हैं, आपकी हाजत का इंतजाम कर दिया है, कोई और खिदमत? जरूरत नहीं है, बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन इन सब के साथ अभी मेरा समझौता हो गया। सर बाकी के प्रोग्राम तो रद्द कर दिए हैं, अब हम क्या दिखाएं? फल की फिक्र ना कर ऐ इंसान, सिर्फ नेकी किए जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरे खुद आज तमाम दुनियादारी कुर्बान करके हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता में दिए गए श्लोक गाते फिरेंगे। अगले महीने से आपकी तनख्वाह 10,000 बढ़ा रहे हैं, आंखों पर ककड़ी रख के घर जाकर सो जाओ, किसी की सिफारिश लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी फरेब में रियासत के वजीरे ज़राअत बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे शामिल हैं, और इनका पर्दाफाश किया है Z24 ने। और हुकूमत ने जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का हुक्म जारी किया है, और वजीरे ज़राअत बद्री प्रसाद से उनकी गति छीन ली। जब वो खबीज का बच्चा मुझे धमका रहा था तो क्या कर रहे थे? 2 करोड़ का सहाफी प्रकाश रंजन को धमकी दे रहा है। अरे कम वक्त, उसी समय उसे ठोक क्यों नहीं दिया? तमाम उज्ज्वला टाउनशिप उठाकर उसने फौजियों को दे दी, मरने के बाद भी आंखें। अरे पहले ही मुसीबत कम है क्या जो तुम हमारी जान लेने पे बनाए? पता है श्रीमन नारायण ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। खामोश है ना, हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। कही हर्षद भाई, प्रकाश से कहें गुस्सा काबू करे। आप तो जानते ना कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, ये 16 बोतल का बुलबुला है, फटाक से ऊपर आएगा, घटाक से नीचे जाएगा। जरा फोन दे उन्हें। हेलो हर्षद भाई, बात करना चाहते हैं, कान पर रखना। हर्षद भाई, हम उस खबीज को नहीं बख्शेंगे, 24 घंटे के अंदर उसकी मैयत उठेगी। का काम शैतान का होता है। श्रीमन कोई कमजोर्फ इंसान मालूम नहीं होता, हम उसे खत्म नहीं कर सकते, न ही उस तक पहुंच सकते हैं। उसका काम तमाम करने के लिए कोई साजिश रचनी होगी, दिमाग खर्च करना होगा, उसके लिए वक्त चाहिए। बातें सुना रहे हमें, ये ले। किस्मत है फकीर तो कहाँ से मिलेगी खीर। अरे जल्दी से पंडित को बुलाओ। हे सीनियर जूनियर पंडित को लेकर आए जल्दी। जनाब कोई बात थी? जी नहीं, कुश्ती लड़नी थी। क्या बात है जनाब? ओहदा चला गया, माल डूब गया, रुतबा खत्म हो गया, अब ऐसा जबरदस्त अमल करें कि हम वजीर आला बन जाएं, सबका खून चूस लें, हमें हमारे पिता की मनुष्यत लगी है, पहले उनकी रूह से छुटकारा दो वरना तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हम लोग मशहूर हैं नेक काम के लिए। हाँ। और ये कमबख्त हमसे बदकाम करवा रहा है। ऊपर वाला आपके पिताजी के रूह को सुकून दे। वो भी अजीब है। हाँ। 5 साल हो गए लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए अनाज को कभी देखने तक नहीं आया। जाने कौए के घर काले कौए नहीं आते। दरअसल बात ये है, कौए मिलावट की वजह से आना नहीं चाहते। वो तो हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि कौए इसे खाए और हमारी मनुष्य दूर हो जाए। आप मत बुलाइए उस्ताद जी, आप जरा बुलाइए। बेहतर। कम कम कौआ कम कम एंड हैव यू मम। कैसी रही हमारी अंग्रेजी? हमारे ख्याल से इन्हें शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी। आप रकम निकालिए, कौओं को हम बुलाते हैं। कौआ बुलाओ तिलसिम, कौआ बुलाओ तिलसिम, कौआ बुलाओ। चिकन जनाब, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए, आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा के लिए दुआ कीजिए, हम लोग कौओं को बुलाते हैं। आइए उस्ताद जी। ये तुमने खाने की थाल में क्या रख दिया? चिकन का टुकड़ा है उस्ताद जी। गुनाह है अजीम। दिमाग खराब मत कीजिए। क्या करोगे? आप लोग आंखें खोलिए, कौवे आ रहे हैं। कैसा लगा उस्ताद जी? अरे पंडित जी एक बात बताओ, हमने कौओं की दावत रखी थी, ये गिद्धा कर क्यों लेके चले गए? आपके रुतबे के हिसाब से वो आकर ले गया। बहुत अच्छी बात है, 5 साल के बाद आखिरकार हमारे पिता की रूह को सुकून मिल गया।